जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या अनाउंसमेंट है, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों? टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत हम आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए जैसा कि आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि सभी महिलाओं के खाते में देखिए 2 लाख रुपये तक दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं। तो किस टाइप से आप यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकते हैं दोस्तों? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कहा था चुनाव से पहले कि वह सभी महिलाओं के खाते में पैसे भिजवाएंगे, दोस्तों उसी योजना को यहाँ पे उन्होंने लॉन्च कर दिया है। दोस्तों जो आवास योजना आपकी चलाई जा रही थी वह यहां पे आज लागू हो चुकी है और काफी लोगों को दोस्तों आज यहां पे मकान आ गए हैं दोस्तों, जो आवास आ रहे थे। तो आइए आप में से भी किसी को यहां पे आवास मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि बाकी पब्लिक यहां पे देख सके और दोस्तों वह भी योजना का लाभ यहां पे उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसी बात की चर्चा करेंगे जो सभी महिलाओं के खाते में दोस्तों 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं। और देखिए बाकी योजनाएं भी काफी अच्छी चल रही हैं, जैसे कि आपकी स्कूटी योजना, ठीक है ना, बेरोजगारी भत्ता, एक परिवार में एक नौकरी। दोस्तों आपने अभी तक इन योजनाओं में आवेदन नहीं किया तो आवेदन किस टाइप से करेंगे ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी महिलाओं के खाते में जो 2 लाख रुपये आ रहे हैं, यहाँ पे आप कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ पर जाके आवेदन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम उस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं यहाँ बता दूँ, देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी नहीं रखी गई है कि जनरल महिलाओं के पैसे आएंगे या SC OBC ST महिलाओं के पैसे आएंगे। दोस्तों इस टाइप का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे सभी महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है दोस्तों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाओं के दोस्तों यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, जो जो भी महिलाएं इन कंडीशंस को फॉलो करेंगी और जो यहाँ पे इन शर्तों को पूर्ण करेंगी दोस्तों, तो उनके खाते में यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उनके पास में आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, आधार कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है। और देखिए आधार कार्ड के बाद उनके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों राशन कार्ड यहाँ पे बहुत जरूरी है, राशन कार्ड भी हमारे पास सभी के पास होता है। तो देखिए राशन कार्ड भी यहाँ पे आपको लगा देना है दोस्तों। उसके बाद में देखिए आपको अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और आय प्रमाण पत्र दोस्तों कम से कम यहाँ पे आमदनी का होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद दोस्तों आपको अपने शहर के दोस्तों सामुदायिक विकास केंद्र में जाना है, जहाँ पे सामुदायिक विकास केंद्र में जाके आपको वहाँ पे दोस्तों एक फार्म मिलेगा जो कि प्रधानमंत्री की इस योजना से रिलेटेड होगा। उस फार्म को दोस्तों फिलअप करके, उस फार्म को कंप्लीट करके यहाँ पे आपको जमा कर देना है। और दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके खाते में यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। जो भी आप सरकारी बैंक का दोस्तों यहाँ पे खाता लगाओगे, वह खाता आपका आधार कार्ड से और पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया आपको कर देनी है और आपको यहाँ पे लाभ मिल जाएगा। फिर भी देखिए यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है, चाहे उसके दोस्तों पति इस वीडियो को देख रहे हों, फादर देख रहे हों, ब्रदर यानी भाई देख रहे हों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो भी महिला आपके परिवार में जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाह रही हैं उनका नीचे कमेंट बॉक्स में नाम दें या दोस्तों अपना नाम दें। और उसके बाद में क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन देनी है कि हम आपकी लिस्ट को आगे बढ़ा सकें। लिस्ट को आगे बढ़ाने से क्या होगा, आपको योजना का लाभ मिलेगा सबसे पहले। देन दोस्तों अब बात करेंगे हम जो आवास योजना चल रही है, उस आवास योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। आवास योजना की दोस्तों हम बात करेंगे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है दोस्तों उनको यहाँ पे देखिए आवास योजना चालू की गई है। दोस्तों पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ आवास बांटे थे और दोस्तों 9 करोड़ यहाँ पे सिलेंडर बांटे थे। देखिए 11 करोड़ आवास बांटने पर भी लोगों को कम्प्लीट आवास नहीं मिल पाए। जब रिव्यू लिया गया पब्लिक से तो काफ़ी पब्लिक ने दोस्तों यही रिव्यू दिया कि उनके पास आवास नहीं मिला है। तो इसी चीज़ को दोस्तों उन्होंने ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे आवास योजना लागू की है। इस आवास योजना के अंतर्गत दोस्तों आपके यहाँ सीधे 3 लाख रुपए की धनराशि आपको यहाँ अपना घर बनाने के लिए मिल रही है। किस टाइप से आपको आवेदन करना है, कहाँ पर आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो देखिए आवास योजना में दोस्तों सबसे पहले जो आपका इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट है वह है आपका आय प्रमाण पत्र, क्योंकि आय प्रमाण के पत्र दोस्तों आय प्रमाण पत्र जो होता है उसके जरिए से ही आपके दोस्तों लेवल का पता पड़ेगा कि आप दोस्तों कितनी इनकम है आपकी, आपकी फैमिली इनकम क्या है, कितनी है और आपको जो स्टैंडर्ड है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको जब आय प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों, यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र कम से कम आमदनी के यहाँ पे रखवाना है। अब देखिए इस चीज़ को आप कैसे कराओगे, तो सीधे आप अपने तहसील में जाके अपनी जान पहचान का जो भी आपका वकील हो, लॉयर हो दोस्तों, वहाँ पे जाके आपको आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है और उनको बोल देना है कि आपको ये आय प्रमाण पत्र कम से कम आमदनी का चाहिए और यह मात्र दोस्तों 80 से 100 रुपये में बन जाता है। तो यह कोई ज़्यादा बड़ी रकम
नहीं है जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली हो। तो देखिए ये आय प्रमाण पत्र बनवाने के बाद और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वह भी हम आपको कंप्लीट बताएंगे। दोस्तों आय प्रमाण पत्र होने के बाद में देखिए आपके पास में क्या है कि आपके पास दोस्तों राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड बहुत जरूरी है यहाँ पे, यदि नहीं है तो आप राशन कार्ड बनवा सकते हो दोस्तों। 10 से 15 दिन में दोस्तों आपके पास राशन कार्ड बन के आ जाएगा। यदि आपको प्रक्रिया नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको वह प्रक्रिया भी दोस्तों बता दें कैसे आप अपना राशन कार्ड मात्र 10 से 15 दिन में बनवा सकते हो। तो देखिए राशन कार्ड के बाद आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो दोस्तों आप सभी के पास होगा ही, ऑलरेडी ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आधार कार्ड ना हो। तो देखिए आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपके पास में वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या दोस्तों पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। या आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहचान पत्र भी चल जाएगा, यदि आपके पास आवास नहीं है तो। दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको जाना है अपने ग्राम प्रधान, या आप किसी शहर में रह रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने जाना है शहर का यानी जो कॉलोनी का प्रधान होता है उसके पास। वहाँ से दोस्तों मिलेगा आपको एक फार्म जो आवास योजना का होगा, वह फार्म वहाँ पे कंप्लीट करके दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने ग्राम प्रधान, अपने जो शहर का जो कॉलोनी का प्रधान है उसके पास में वहाँ पे जमा करवा देने हैं। यदि देखिए प्रधानमंत्री आपको आवास दिलवाने में एग्री नहीं है तो वह भी प्रक्रिया हम बताएंगे कि कैसे दोस्तों आप आवास ले सकते हो बगैर प्रधान जो आपका प्रधान होता है उनके बिना। तो देखिए यहाँ पे सीधे जाके दोस्तों यदि आप शहर में निवास करते हैं तो आपको अपने नज़दीकी सामुदायिक विकास केंद्र में जाना है। देखिए सामुदायिक विकास केंद्र में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देने हैं। लेकिन यदि आप कहीं पे भी जो अपने ग्रामीण एरिया में रह रहे हो तो दोस्तों आपको जाना है अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे। अब ये सीएससी सेंटर क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका जनसेवा केंद्र, जो गाँव और शहर शहर में भी दोस्तों यहाँ पे खुलवाए गए हैं। जो लोग यहाँ पे सामुदायिक विकास केंद्र पे नहीं जा पा रहे हों वह वहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन करने में दोस्तों आपका कोई चार्ज नहीं है, यह आवेदन बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों आवेदन करने में यदि आपको कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर बताएं, जो भी आवास योजना में लाभ लेना चाहते हैं। दोस्तों आवास योजना के तहत आपको सीधे यहाँ पे 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है, और जो भी आपका दोस्तों यहाँ बैंक खाता आप लगा रहे हो अपना, जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना बैंक खाता जो है सबमिट करोगे वह सरकारी बैंक का होना चाहिए दोस्तों। और सरकारी बैंक का जो खाता है उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको योजना का लाभ मिलेगा सबसे पहले। जिनको भी लाभ नहीं मिला अभी तक, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको यह लाभ सबसे पहले दिया जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं यदि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो। दोस्तों यहाँ से हम लाखों लोगों को लाभ दिलवा चुके हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा, आपको देखने को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो देखिए जिनको भी यहाँ पे आवास योजना का लाभ दोस्तों आज मिल गया है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमको आज यहाँ पे आवास योजना का लाभ मिल गया है, वह किस शहर किस राज्य से हैं ये भी दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उनका कमेंट वहाँ पे पिन कर सकें और बाकी पब्लिक जो है उस कमेंट को देख सके और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे सके दोस्तों, जिससे कि उनको भी यहाँ पे लाभ मिले सबसे पहले। आपको किस टाइप से इस योजना का लाभ मिला है वह भी ज़रूर बताएं दोस्तों, जिससे कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब देखिए दोस्तों स्कूटी योजना जो चलाई जा रही है, काफ़ी महिलाओं को काफ़ी लड़कियों को यहाँ पे स्कूटी मिल चुकी हैं। यदि आपको अभी तक स्कूटी नहीं मिली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें बताएं और दोस्तों अपने शहर अपने राज्य का नाम बताएं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, जानकारी अपनी आगे बढ़वाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमें ये परमिशन दें जिससे कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें दोस्तों, जिससे कि आपको योजना का लाभ मिले सबसे पहले। यदि आप बेरोजगार हैं तो दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना में आवेदन करिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर नाम दीजिए, योजना का नाम दीजिए, अपने शहर अपने राज्य का नाम दीजिए, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है दोस्तों वह चीज़ भी हमें बताइए। देखिए कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी फ्री होता है, इसमें कोई भी आपका एक पैसा नहीं लग रहा, डाटा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आवेदन करना बिल्कुल फ्री किया है दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने। चाहे तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके भी आवेदन करिए, वहाँ भी आवेदन करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियोज भी बना रखे हैं तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो वीडियोज़ को चैनल पे जाके। जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया आवेदन करिए। बेरोजगार भत्ता दोस्तों, जो बेरोजगारी भत्ता चल रहा है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए जो भत्ता चलाया प्रधानमंत्री ने 3,500 से 6,000 रुपये तक, काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ायदा ले चुके हैं। यदि आपको फ़ायदा नहीं मिला है तो आप अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दीजिए दोस्तों, अपने राज्य अपने शहर अपनी पढ़ाई लिखाई हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि हम आपको योजना को लाभ दिलवा सकें। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी ऐसी योजना
योजनाएं चलाई अपने पिछले जो कार्यकाल है 5 वर्ष का उसमें, लेकिन काफी लोग वहां पे योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं जानकारी के अभाव में। तो यदि आपको अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले दोस्तों इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, प्रेफरेंस सबसे पहले दिया जाएगा। अब देखिए जो भी लोग यहाँ पे अपने नाम देंगे उनकी लिस्ट हम आज ही आगे बढ़ा देंगे दोस्तों, और जो लोग यहाँ वीडियो को लाइक कर देंगे अपनी परमिशन दे देंगे उन्हीं की लिस्ट आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं कि हम सभी की लिस्ट यहाँ पे आगे बढ़ा दें, क्योंकि आपके परमिशन के बिना दोस्तों हम आपकी लिस्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते, इतना हमें अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे अपने नाम अपने डिटेल्स लिस्ट में डलवाना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके परमिशन दें दोस्तों। ऐसी ही जानकारी ऐसी अपडेट हमसे डेली लेने के लिए दोस्तों जो भी अपडेट आपकी आती है सबसे पहले आपको हमारे यहाँ चैनल पर देखने को मिलती है, चाहे वो आवास योजना हो, बेरोजगारी भत्ता हो, एक परिवार में एक नौकरी हो दोस्तों, कोई भी योजना हो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो यह अपडेट सबसे पहले लेने के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके परमिशन दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई अपडेट नई जानकारी नई योजना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।